समिट की। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन जारी है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूके के नेताओं के साथ बात करेंगे। इसके बाद बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी G20 की अध्यक्षता का प्रभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही अगला शिखर सम्मेलन भारत में होगा। और अब बात गुजरात की। मोरबी हादसे को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज गुजरात हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मोरबी नगर निगम पर तीखी टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने नगर निगम पर स्मार्ट एक्टिंग करने का आरोप भी लगाया। वहीं अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नगर निकाय और सरकार से कई सवाल किए थे। हाई कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की और पूछा कि मरम्मत के लिए टेंडर क्यों नहीं जारी किया गया, अधिक बोलियां क्यों नहीं आमंत्रित की गई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि अगर निकाय के गलती के कारण 135 लोगों की मौत हुई है, कोर्ट ने मोरबी नगर निगम के अधिकारियों पर फूल ढहने को लेकर आरोप लगाया है। वर्ल्ड लीडर्स जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर पहुंचे हैं और ये आप एक तरह से ये दर्शाता है कि ये काफी इम्पोर्टेंट इवेंट कहा जा सकता है। सिंबॉलिकली काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि हर देश जो एनवायरनमेंट संरक्षण को लेकर 20 की मेजबानी सौंप दी जाएगी। भारत अगले साल G20 की मेजबानी करेगा और इस बीच भारत के लिए ये G20 समिट बेहद अहम। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा को तय करता है और धीरे धीरे इसमें कुछ और मुद्दे भी जोड़ दिए गए हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर का 85% कारोबार G20 सदस्य देशों में ही होता है और शुरुआती सालों में G20 सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और आर्थिक लक्ष्यों को लेकर देशों के बीच समन्वय स्थापित हुआ और इसका असर भी दिखा। और अब इस बार जो G20 समिट है वो इंडोनेशिया बाली में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके 45 घंटों के इस दौरे में 20 सेशंस हैं जिसमें से कल भी उन्होंने कई मुलाकातों का दौर किया और भारतीय लोगों से भी बातचीत की और इस बीच आज वे 8 वर्ल्ड लीडर्स के साथ बायलेटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि G20 में तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ और भी तमाम बड़े नेता हैं, वे वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज पीएम मोदी इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूके के नेताओं से बातचीत करेंगे और औपचारिक तौर पर भारत को G20 की मेजबानी सौंप दी जाएगी। तो भारत के लिए इस बार का G20 भी बेहद अहम है और अगले साल जो G20 की बैठक होगी, समिट होगा, वो भारत में होने वाला है और भारत के लिए बेहद खास मौका तालमेल बिठाने का। कि जब बात करते हैं तो वहां पर हम वैक्सीनेशन ड्राइव को जिस तरह से भारत ने चलाया, सिर्फ आंतरिक ही नहीं बल्कि बाहरी देशों की भी इसमें मदद की गई, तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत कुछ खास होने वाला है आज के दिन की अगर हम बात करें। और यहीं से आने वाले समय के लिए एक रणनीति भी बनती नजर आएगी जो एक बेहतर भविष्य का निर्माण तो करेगी, साथ ही साथ जो तमाम देश है उनको और करीब लाने में और उनको एक साथ मिलकर काम करने में और मजबूती प्रदान करेगी। डिजिटल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो G20 का जो वर्किंग सेशन है उसके अगर हम लोग थर्ड इम्पोर्टेंट वर्किंग सेशन की बात करें तो डिजिटल पर फोकस रहेगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लिहाज से फोकस रहेगा। हमने देखा कि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन किया था फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, जहां एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को हाईलाइट किया कि आज की जो फर्टिलाइजर्स की जो शॉर्टेज है ये कल की फूड क्राइसिस साबित हो सकती है, और वही एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा
कि ये वो दौर है कि युद्ध का दौर नहीं है और इस समय पर ये कोशिश होनी चाहिए कि रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं एनर्जी के लिहाज से और एनर्जी हर देश को मुहैया हो सके, उपलब्ध हो सके, इस बात पर तमाम देश को फोकस करना चाहिए। हालांकि इस समय पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम वर्ल्ड लीडर्स हैं कि उन्होंने कल जो मेजर जो बैठक है की वर्किंग सेशन को लेकर फूड एंड एनर्जी को लेकर के, तो फोकस था कि कैसे जो फूड और एनर्जी के लिहाज से एक कैसे स्टेबलाइज्ड मार्केट रहे, जब तक फूड की बात होती है, एनर्जी की बात होती है, ये स्टेबलाइज्ड है, हर किसी को खाद्य पर्याप्त उपलब्ध होता रहे, डेवलपिंग कंट्री अंडर डेवलप कंट्रीज की अगर जहां तक बात की जाए, और एनर्जी के भी लिहाज से मार्केट स्टेबल रहे, इस बात पर फोकस। लेकिन इस समय पर अगर आप देखेंगे गौरव, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र इसको आज का हम कह सकते हैं, जब अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट है इसका दौरा करने जा रहे हैं, और हमने देखा कि G20 समिट हुआ, कई सारे बातचीत हुई, लेकिन हर देश आप देखिए कि जो भी देश इस तरह के मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स का जब आयोजन करता है तो एक वो एनवायरमेंटल कंपोनेंट को लाने की कोशिश करता है, दिखाता है कि कैसे वो एक तरह से अपने आप एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट कर रहा है और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर रखते हैं। इससे से इंडोनेशिया इस समय पर मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिहाज से जो उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है मैंग्रोव फॉरेस्ट का उनको बढ़ाने की दिशा के अंदर, क्योंकि इंडोनेशिया वो जगह जो कि कोस्टल एरिया में होती है, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव जो के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्लाइमेट कंट्रोल या क्लाइमेट चेंज को रोकने की दिशा के अंदर, जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिशा में जो इंडोनेशिया ने काफी ज्यादा काम किया है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को साफ तौर पर इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर जता दिया कि हमें ऐसे बहुत सारे अलायंसेस की जरूरत है जहां एनवायरमेंट संरक्षण की बात हो, क्लाइमेट चेंज पर लगाम लगाने की बात हो। एक तरफ भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे गठन कर रहा है जिससे कि प्राइमरी हमें डिपेंडेंसी को हम जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उस पर कम करके हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज पर आ सके, जैसे कि सोलर पर, विंड पर, कपास के इसको बढ़ा सके। भारत इस बात की भी वकालत कर रहा है कि हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे, और इतना बड़ा कमिटमेंट भारत जैसा एक डेवलपिंग इकोनॉमी दे रहा है, तब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि G20 समिट में तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, और G20 के इन नेताओं की बैठक चल रही है। और इस बीच G20 भारत के लिए आज बेहद अहम, क्योंकि आज औपचारिक तौर पर भारत को G20 की मेजबानी सौंप दी जाएगी, यानी कि भारत के पास एक बड़ा मौका, बड़ा अवसर अपनी बात कहने का और अपने मुद्दे रखने का और इन तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रित करने का G20 समिट के लिए, जो कि भारत में अगले साल होगा। और अब बात करते हैं राजस्थान